नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हमारे बारंबार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे नेट हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, केवीएस, एनवीएस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 25 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गारसादे तासी के इस्तवार्द लालित्रुतर हिंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? गारसादे तासी ने जो ग्रंथ लिखा था इस्तवार्द लालित्रुतर हिंदुई हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? तो यह है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता जो कि 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? गंगा पत्रिका में। अगला प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का भव्य भवन निर्मित किया है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास से। कथन को एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कथन है। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का भव्य भवन निर्मित किया है। तो ये कथन किससे रिलेटेड है? जॉर्ज ग्रियर्सन से। अगला प्रश्न है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जिनेंद्र का। अगला है, कौन मिश्र बंधु नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आता, जबकि श्याम, शुक और गणेश। देखो इसको ऐसे याद रखना आप, श्याम, शुक, गणेश, श्याम, शुक, गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, शुक बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीन तो हैं मिश्र बंधु, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र बिहारी से रिलेटेड है, जो बिहारी है रीति सिद्ध कवि उनसे रिलेटेड है, उनका शायद बेटा है। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तेन। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कुल कितने खंड हैं? 18 खंड। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आदिकाल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी एक रचना भी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक से। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? शैव के। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 18। अगला है, आदिकाल को चरणकाल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। कुछ मात्राओं की शुद्धियां हैं, तो ये सही जवाब है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? नाथ संप्रदाय का। अवधूत मत किस से रिलेटेड है? नाथ संप्रदाय। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर। इसके राइटर हैं ज्योतिष्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। चुरय सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। सरहपा ने कितने ग्रंथों की रचना की? 32। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सरहपा ने कितने ग्रंथों की रचना की? 32 ग्रंथों की रचना की। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अभी एक प्रश्न आया था, स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अभ्रंश का वाल्मीकि, ये फिर से रिपीट हुआ है। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? यह है
पुष्पदंत, ये दोनों प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपभ्रंश का वेदवास वेदव्यास तो है पुष्पदंत, और अपभ्रंश का वाल्मीकि है स्वयंभू। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास। धन्यवाद दोस्तों।